सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पुष्कर धी धीराई हॉस्पिटल भिवानी एंड आई एम अ विट्रो रेटना सर्जन। सो एज़ यू ऑल नो कि जो डायबिटीज़ है वो जैसे हाथ और पांव की नसों पे प्रॉब्लम करती है, किडनीज में, ऐसे ही आँख में भी प्रॉब्लम करती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। सो मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको अपनी डायबिटीज़ मॉनिटरिंग की इनसाइट तो है बट वो कर नहीं पाते हैं या वीकली कर पाते हैं। तो उसके लिए HbA1c वॉज वन थिंग एंड नाउ देयर इज सम डिवाइस कॉल्ड एज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डिवाइसेस। सो आज मैं थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग इंसाइट दूंगा कि वॉट इज इट एंड आई विल ट्राई टू अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ ओनली। मैं उस मशीन को खुद अपने पे लगाऊंगा टू सी, लेट्स सी कि हाउ दैट फंक्शंस। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। सो वेट फॉर द पार्ट टू। सो हाय, दिस इज पार्ट टू। सो फाइनली मैंने ये चीज़ एक्वायर कर ली है। सो दिस इज़ बेसिकली अ फ्री स्टाइल लीबर। ये कंपनी है अबॉट की, जिस जो ये बनाती है। इट्स अ कॉम्पोजिट पैक कॉस्टिंग अराउंड 13,000, जिसमें दो सेंसर्स हैं और एक रीडर है। सो से इट्स प्रोडक्ट ऑफ आयरलैंड एंड इसके ऊपर MRP इज अराउंड 5,000 समथिंग एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। सो आज इसको लगाएंगे। ओके एंड आई एम प्लानिंग टू पुट इट ऑन माई आर्म। सो देखते हैं हाउ इट वर्क्स आउट। दिस इज ऑल अबाउट दैट CGM। दिस इज द रीडर एंड आई एम प्लानिंग माई सेल्फ टू गेट दिस सेंसर टूडे एंड दिस इज द सेंसर। सो दिस इज कम्पोज ऑफ टू थिंग्स। ये बेसिकली लगाने के लिए यूज होगा, अभी हम देखेंगे कैसे होता है। और इसमें सेंसर है। ओके सो दिस इज अ टू पार्ट। तो अब देखते हैं कैसे रहेगा। एंड नाउ समबडी विल बी असिस्टिंग मी। आई हैव जतिन विद मी। सो वो मेरे को लगाएंगे आज, बिकॉज आई एम द पेशेंट टुडे। तो इसके अंदर सेंसर है सर, ये मैंने इसको ओपन कर लिया, राइट। ये है सेंसर एप्लीकेटर। नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं है सर, ये सेंसर एप्लीकेटर है। ओके, इसको जब मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब ये सेंसर एप्लीकेटर है, सेंसर उसके अंदर छोटा सा ही आएगा बस, वो वाली जगह बनी हुई है सेंसर के लिए, यहाँ से लोड होगा अभी सेंसर। ओके, तो अब लोड करने के लिए ये लाइन और ये लाइन हमें दोनों को मैच करना है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, राइट। ये मैच हो गया, सेंसर लोड हो गया। अब चलो, सेंसर इज लोडेड। अभी आप देखोगे अंदर तो सेंसर आ गया और एक नीडल भी है। ओके सो नीडल इज नॉट मच विजिबल बट या देयर इज वन नीडल। तो ये मेरे अंदर जाने वाली है। हाँ, यस, ये नीडल आपके अंदर सेंसर छोड़ के और फिलामेंट छोड़ के वापस आ जाएगी, रिट्रैक्ट हो जाएगी। ओके सो छोटा सा फाइन नीडल है, लेट्स सी कैसा रहता है, है ना। सो वी हैव सेंसर। बेसिकली ये अभी हमने पार्ट को क्लीन करना है, पहले हम अल्कोहल से हमने इसको क्लीन करना है और अभी ये ड्राई है, थोड़ा सा शेव करना पड़ेगा। फॉर मी विद द हेयरी बॉडी वी नीड टू शेव इट ऑफ। यस, सो नाउ द एप्लीकेटर वुड बी देयर, राइट। So what we have to check is that it's the loose area, the loose fat, triceps area के पास यहाँ पे देखना है। And there's one radial nerve which can be there but usually loose fat में नहीं होती है। तो take a long breath sir, लेते रहो, लंबी लंबी जैसे stethoscope से check करते हैं, बहुत लंबी। It's painless. It's painless? Yeah. तो sensor आपको लग चुका है? Okay, so अभी हमें just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, that's it. हल्का सा टर्न करते करते ऐसे हम इसको तो देखो कैसे टर्न करते करते निकाल दिया। एंड नाउ आई एम टैग्ड। ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी पेनलेस थिंग, बिल्कुल फील ही नहीं हुआ है, पता भी नहीं चला। तो आई एम रिसेंटली बीइंग टैग्ड विद दिस सेंसर। सो वी विल सी कि कैसे रहते हैं इसके रिजल्ट्स एंड सी आई विल शो यू द अदर रीडर वी स्टाइल। तो ये बेसिकली जो मेरा सेंसर लगेगा उसको एक्टिवेट करेगा, राइट। एक्टिवेट भी करेगा और रीडिंग भी देगा, और ये उसके लिए भी यूज होता है ग्लूकोज। यस, बट इसमें स्ट्रिप यूज होती है लिब्रे की, एबॉट फ्री स्टाइल ऑप्टियम नियो, उसकी ग्लूकोज स्ट्रिप भी यूज हो सकती है। और ये कीटोन की रीडिंग भी दे देगा, कीटोन ब्लड में स्ट्रिप्स आती है। हाँ जी, ब्लड कीटोन की स्ट्रिप्स आती है अलग से, वो कीटोन की रीडिंग भी दे देगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पार्ट 5। अब जब यहाँ हमने जो सेंसर लगा है मेरी आर्म्स पे, इसको हमने एक्टिवेट करना है। ब्लड तो नहीं आया? नो, आई एम गुड। सो हम लोग अभी इस सेंसर में देखो आ रहा है ऑलरेडी स्टार्ट न्यू सेंसर। सो अब हम इसको देखेंगे कैसे एक्टिवेट होता है। तो वी हैव प्रेस्ड इट एंड नाउ वी आर ब्रिंगिंग इट लो। ओके सो इट सेज सेंसर कैन बी यूज्ड इन वार्मिंग टाइम 60 मिनट्स। हां, 60 मिनट बाद आपकी पहली रीडिंग आ जाएगी। ओके सो दिस इज द आफ्टर द सेंसर हैज गॉन इनटू मी इज नाउ दिस इज प्रोबब्ली अ यूजलेस थिंग।
राइट यू हैव टू कीप इट विद यू सर फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट वन वीक. द रीजन इज बिकॉज अगर एक हफ्ते तीन दिन से पहले पहले ये सेंसर अपने आप उतर जाता है तो एबर्ट आपको रिप्लेस करके देगा. ग्रेट. सो ये निकल भी सकता है बट आई हैव टू बी जेंटल विद इट. तो आई कैन टेक बाथ राइट. यू कैन टेक बाथ. आई कैन रन फॉर वन आवर. यू कैन स्विम एज वेल. अच्छा टेंशन नहीं. बट सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय रनिंग एंड सी इट्स स्टिल देयर. इट्स वेरी सो दिस इज माय चेक. सो आई विल डू द चेकिंग पार्ट राइट. सो यू कैन हियर द वॉइस एंड द शुगर इज अराउंड 125. So it's quite durable device. So it doesn't get removed even after bathing. आप नहा सकते हो, खेल के आ सकते हो, still it sticks on. देखेंगे 14 days बाद ही किसको कैसे उतारना है. I have just completed my OR and I wish to check my sugar. So now what should I do? I wish to check my sugar and the how much is my stress level. So this is a sensor. I'll just put it over here. This is my blood sugar.